Hello everyone. Today I am explaining you the concept of mean, median and mode on Excel file. But before that, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि Excel में आप mean, median, mode calculate करना तो सीखेंगे, साथ में मैं आपको इसका एक basic concept भी explain करूँगा, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है जब भी आपका practical exam होता है Excel का या जैसे lab में test होता है तो वहां पर आपका वाइवा भी होता है। तो आप जितने भी मेरी वीडियो देखेंगे उसके अंदर मैंने शॉर्ट, वेरी शॉर्ट फॉर्म में आपको वाइवा के लिए भी प्रिपेयर किया हुआ है, जिसके नोट्स मैंने साइड में यहाँ पर लिखे हुए हैं हर शीट में। तो या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको कॉपी कर लेना, क्योंकि जब आप कल को मेरी वीडियो देख के जब आप एक्सेल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके थ्योरी और वाइवा भी साथ साथ हो जाए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट अस सी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। देखिए बेसिकली आपने ये सुना होगा कि मीन, मीडियन एंड मोड एक चैप्टर होता है सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। तो सेंट्रल, कई बार एग्जामिनर या वाइवा वाइवा में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल वैल्यू होती है जो पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करती है। मतलब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, उसमें कहते हैं मीन आया 22, मीडियन आया 24, तो एक सिंगल वैल्यू जो है पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू विच इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एंटायर सेट ऑफ डेटा। अब तीन सेंट्रल टेंडेंसी के प्रिंसिपल मेजर्स होते हैं हमारे पास। एक होता है अर्थमेटिक मीन, जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, मीडियन एंड मोड। सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज मीन। देखिए मीन को जनरली हम एवरेज बोलते हैं, और जब हम एक्सेल में भी कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको एवरेज के फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ एवरेज लिख के दिखा दिया। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे, न्यूमेरिकल मैनुअल क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो हमको पता है मीन का फॉर्मूला होता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये भी पूछता है कि ठीक है आपने एक्सेल में तो वो आपको क्वेश्चन पेपर पकड़ा देते हैं कि सॉल्व करो, वो आपसे ये पूछता है कि मैनुअली आप मीन कैसे कैलकुलेट करते हो, तो आप सिंपल फॉर्मूला बोलेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और आपको पता है मीन को आप किससे डिटरमिन करते हो, एक्स बार से, ठीक है। देन इट इज अ कॉमन मेजर यूजेस ऑल द वैल्यूज। तो मीन क्या होता है, सारी वैल्यूज को ऐड करना। तो इसका मतलब क्या होता है, इट यूजेस ऑल द वैल्यूज ऑफ द डेटा, ठीक है। एंड इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। तो एक तरह से अगर आप बोलोगे तो आप इसको एक तरह से डीमेरिट बोल सकते हो मीन का, कि भाई इसका मतलब क्या हुआ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब अभी इसने बोला हम सारी वैल्यूज को कंसिडर करते हैं, लेकिन कई बार होता है डेटा के अंदर कोई दो तीन वैल्यूज ऐसी हैं जो बहुत एक्सट्रीम बाहर हैं, वाइडर हैं, तो उनसे हमारा मीन अफेक्ट हो सकता है। तो मीन का फॉर्मूला, मीन का जो मीनिंग है वो ये होता है, ये मैंने आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मीडियन। तो देखिए मीडियन का मतलब क्या होता है, जो सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। इसका मतलब वो मिडल वैल्यू जो हमारी पूरी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, डिवाइड कर देता है, उसको हम बोलते हैं मीडियन, ठीक है। और मीडियन की एक और कंडीशन क्या होती है, जो सीरीज होती है हमारी उसको बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। मीडियन की एक खास बात और होती है, जैसे मीन अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है, मीडियन एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये सारी वैल्यूज को इंक्लूड करता ही नहीं। इसका मेन मोटिव होता है कि हमें मिडिल वैल्यू फाइंड करो जो सीरीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। अब सबसे पहली वैल्यू क्या थी या सबसे लास्ट वाली वैल्यू क्या थी, मीडियन को उससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, इट मे बी डिफाइंड एज अ मिडल वैल्यू इन द डेटा सेट व्हेन द आइटम्स ऑफ द सीरीज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकेंड, यही इसका एडवांटेज है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू एंड डज नॉट यूज ऑल द वैल्यू। इसका रीजन मैंने आपको दे दिया। देखिए आपने पहले पढ़ा हुआ है कि मीडियन का फॉर्मूला मैनुअली जब सॉल्व करते हैं, जैसे उसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं एन प्लस वन अपॉन टू टर्म, और अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है तो हम एन बाय टू यूज करते हैं मीडियन क्लास निकालने के लिए।
और कभी कभी हमें एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि मीडियन को ग्राफिकली कैसे डिटरमिन करते हैं। तो आपने मैनुअल, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का आपने चैप्टर किया हो तो आपको पता है हम इसके अंदर लेस देन और मोर देन ऑजाइव कर्व्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ऑजाइव कर्व्स हमारे को मीडियन हेल्प करता है डिटरमिन करने में। फिर लास्ट इसके अंदर आता है मोड। मोड को जनरली हम जी जेड से डिनोट करते हैं। मोड का सिंपल मतलब यही होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है डेटा के अंदर, उसको हम मोड बोलते हैं। ठीक है, तो मोड इज द वैल्यू अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, एंड अराउंड विच अदर आइटम्स ऑफ द सेट क्लस्टर मोर डेंसली, जिसके आसपास और सारी वैल्यूज ज्यादा लाए करती हैं, तो उसको हम मोड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज है, मैनुअल में आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा केस होता है कि एक पूरी सीरीज में दो वैल्यूज ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा बार आ रही हैं और इक्वल टाइम। मान लीजिए कोई सीरीज है उसमें 150 भी 2 बार आ रहा है और 300 भी 2 बार आ रहा है, तो उस केस में हमें मोड डिटरमिन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैनुअली। तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल बनाते हैं फिर उसके अंदर हम। ठीक है, और मोड भी सेम है कि इसको हम एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता, और जैसे मीडियन में हमने बताया था ये ओजाइव कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम मोड हिस्टोग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। तो कल को एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि मीडियन को हम ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओजाइव कर्व, मोड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, तो ये आप बता सकते हैं। नाउ अब तो थ्योरी का मैंने आपको लेआउट दे दिया जो आपको वाइवा में भी हेल्प करेगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ एक्सेल पे कि मीन कैसे निकालते हैं। लेट से एक एक्स सीरीज दी हुई है, एक वाई सीरीज। तो पहले हम एक्स का निकालते हैं। तो लेट से पहले मैं मीन निकाल के दिखा रहा हूँ, ये डेटा हमें गिवन है। अब हमें को कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमें वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल अपना पुट करेंगे वैल्यू इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था मीन के लिए हम एवरेज लिखते हैं, तो एवरेज, तो देखिए ऑटोमेटिकली आ गया ये रहा एवरेज। एवरेज डेव नहीं, DEV वाला नहीं, एवरेज सिंपल एवरेज। इस सीरीज को सेलेक्ट कीजिए और एंटर दबा दीजिए। इस सीरीज का जो मीन है वो ऑटोमेटिकली आ गया 83.75। मैं रिपीट करता हूँ, इक्वल टू दबाइए, एवरेज लिखिए। आप AB लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे एवरेज लिखा आ जाएगा। जोन से सीरीज का मीन निकालना है उसको सेलेक्ट कीजिए और एंटर दबा दीजिए। ये हो गया मीन। अगर हम वाई का निकालेंगे तो सेम आप साथ साथ कर सकते हैं। आप सीरीज को लिख लीजिए एक्सेल पे, एवरेज देखिए एवरेज लगाने का, तो ये एवरेज आ गया। अब वाई के सीरीज को सेलेक्ट किया, एंटर दबा दिया, तो वाई का मीन आ रहा है 88.7। तो मीन के लिए वी विल यूज एवरेज। सेकेंड कम्स मीडियन, मिडल वैल्यू। तो इसमें मैंने इक्वल्स टू मीडियन, तो देखिए एम ई डाला तो मीडियन आ गया। कौन सा सीरीज सेम, आपको कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू सेलेक्ट कीजिए एंटर दबा दीजिए। तो इसके हिसाब से मीडियन इसका 75 आ रहा है। अगर आप मैनुअली भी सॉल्व करेंगे तब आपका भी इतना ही आएगा। सिमिलरली वाई का मीडियन कितना आएगा, इक्वल्स टू मीडियन, वाई को सेलेक्ट कर लीजिए, वाई का मीडियन आ रहा है 68.5। इसका मतलब वाई की जो सीरीज है उसका मीडियम मिडिल वैल्यू क्या हो रहा होगा हमारा, दैट इज 68.5। तो ये हमारा मीडियन है उसका। ठीक है, और लास्ट आ गया मोड, इक्वल्स टू मोड MODE, सेलेक्ट किया एक्स को एंटर, तो 150 मोड। देखिए सीरीज में मोड का मतलब क्या बताया था, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो 150 दो बार आ रहा है, बाकी कोई भी नंबर जो है 2 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा, तो मोड 150 ही आना चाहिए। लेट्स से इसमें कितना आएगा, इक्वल्स टू मोड, सॉरी सेलेक्ट किया, सीरीज सेलेक्ट की एंटर। तो इसमें देखिए वाई के केस में हमें मोड कितना बता रहा है, 60। अब चेक करिए आप, 1, 2, 3 बार 60 रिपीट हो रहा है, 150 दो बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, तो वाई के केस में मोड कितना आ गया, 60। तो इस तरीके से हम एवरेज का फॉर्मूला लगा के मीन निकालते हैं, मीडियन एंड मोड।
आई होप इट इज हेल्पफुल। आप इसमें सारी वीडियो देखिए धीरे धीरे करके, एंड आई वुड सजेस्ट कि ये थ्योरी वाला पार्ट जो आप अपने एक नोटबुक में बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, बाद में नोटबुक में लिख लेना। और एक्सेल वाले आप चाहे तो पहले मेरी वाली वैल्यूज कॉपी करके अपने आंसर को मैच कर सकते हैं, और फिर आप डिफरेंट भी ट्राई कर सकते हैं। कोई डिफिकल्टी आएगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।